फ्रेंड्स, राजवंत सिंह मोहली। तो आज मैं एक इमोशनल टच आपको देना चाहता हूँ, और इमोशनल टच ये है कि ये जो नीम का पेड़ आपको दिख रहा है, यहाँ जब हम मैंने प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू किया था, तो तकरीबन 95-96 में हम यहाँ पर 100-150 किलोमीटर स्कूटर चलाने के बाद इस नीम के नीचे हम कई बार रेस्ट करते थे, और पीछे इसके ट्यूबवेल है, वहाँ पानी पूनी पीना और कुछ करना। और यहाँ पर आके मेरे को ये सारी आज यादें ताज़ा हो गई। मैं और संजीव इधर आए थे, हम तो मेरे को मैंने बताया कि यहाँ पर हम बैठ के हम मतलब थोड़ा कहीं और रिफ्रेशमेंट मतलब ले लेते थे, कि घर से खाना लेके आते थे वो खा लेते थे, या कुछ और मतलब किस तरीके से बैठ के रेस्ट करना तो कर लेते थे। तो संजीव बोलने लगा, सर इसकी तो फिर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी संघर्ष की दास्तान बता रहा है। तो दोस्तों, ये सिंपल मेरे हिसाब से तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए शेयर हो सकती है। मेरे लिए तो सिंपल एक ये है कि मैं यहाँ पर आता रहा हूँ, और मेरी यादें जुड़ी हैं इस नीम के पेड़ के नीचे। और ये जो है पीछे गडोलियाँ गांव है, इसमें मैंने एक बताया था आपको कि जिसने प्रॉपर्टी फ्रॉड किया था अपने भांजे ने मामे के साथ, वो इस गांव का था बंदा। तो हम ये मोहाली से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर खड़े हैं, और यहाँ से आगे मानकपुर खेड़ा एक शहर है, उसमें जा रहे हैं हम। कोई आज वहाँ केस स्टडी थी उसके लिए चले थे, तो संजीव ने मजबूर कर दिया कि सर वीडियो जरूर बनानी है। तो सर आप स्कूटर के साथ यहाँ पे रेस्ट करते थे, और आज आपके पास सामने बात की जाए तो सर कोरोला अल्टिस है, कैसा फील होता है? ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जब आदमी के पाँव चलते हो और आंखें खुली रहें, पाँव हरकत में हो, तो वो कहीं ना कहीं पहुँचता ही है। ये सर, ये 100% होता है। तो इसे लोगों को आशा तो जरूर मिलेगा सर, कि अगर उन्होंने काम स्टार्ट किया है, फिलहाल वो कम पे हैं, लेकिन जिंदगी में आशाएं बहुत हैं। नहीं, उनको वो बस ये है, बस मेहनत करते जाए, मेहनत का फल मीठा होता है। जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप काम करते जाओगे, मतलब उतना ही आप में मैच्योरिटी आती चली जाएगी, आप में समझ आती चली जाएगी, बुद्धि आपकी बढ़ती चली जाएगी, आप बुद्धिमान होते चले जाओगे। और जब आप बुद्धिमान हो जाते हो, तो नेचुरली लोग आपके पीछे लगते हैं, क्योंकि पीपल ऑलवेज फॉलो टॉप डॉग्स, अपने से ऊपर वाले बंदे के पीछे लगते हैं, ना कि आपके पीछे वाले के। जो ऊपर वाले बंदे मतलब किसी तरीके से, चाहे वो आमदनी में ऊपर हो, चाहे उम्र में ज़्यादा हो, चाहे पढ़ाई में ज़्यादा हो, लोग उनको फॉलो करते हैं। पीपल ऑलवेज फॉलो टॉप डॉग, ये मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग में कहता हूँ। तो ये देख के पता लग सकता है कि आप, जैसे हमने संघर्ष किया है, मतलब बहुत छोटे लेवल से स्कूटर 200 किलोमीटर चलाए, तो आप भी, यदि आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, मोबाइल है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्द आप मदद ले सकते हो, लेकिन चलते रहो। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंस्पिरेशन। और हम जैसे जो स्टार्टर्स हैं सर इस फील्ड में, उनके लिए ये बहुत बड़ी स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी है सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैं मोहाली सर के साथ, और ग्रुप में मुझे मैसेजेस आते हैं कि यू आर फॉर्चुनेट कि आप मोहाली सर के साथ रहते हैं। तो आई एम नॉट फॉर्चुनेट, आई फील ब्लेस्ड। मोहाली सर के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज इसी सीरीज़ में हम कुछ सवाल भी पूछने वाले हैं मोहाली सर के साथ, होपफुली आपको भी बड़ी मदद मिलेगी। तो मोहाली सर, हमारे नए जो स्टार्टर्स हैं, उनके लिए भी प्लीज़ बताइए सर कि आपकी पहली डील हुई थी तो कितनी खुशी महसूस हुई थी सर आपकी, आपको? ये संजीव, 1992 में लास्ट, जो मेरा ख्याल दिसंबर का महीना था, या शायद हो सकता है ये जनवरी का 93 का हो, तो एक हमने प्लॉट लिया था सबसे पहले, और प्लॉट की कीमत थी तकरीबन, हमने लिया था 1,55,000 का, और 130 गज का प्लॉट था वो, और वो उसका हमने एग्रीमेंट किया था 20,000 रुपये दे के। और 20,000 रुपये का एग्रीमेंट करने के बाद हमें 4-5 दिन के बाद ही हमें 2,500 रुपया मतलब उसमें से प्रॉफिट हुआ मेरे को। और सच जानो, मेरे तब मेरी सैलरी भी कुछ नहीं थी उन दिनों में, सैलरी भी मेरा ख्याल इतनी इसके आसपास ही होगी, तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं एक सैलरी और पैदा कर ली। और सिर्फ प्लॉट भी बहुत सस्ता था, एक 150 का, 155 का, और 155 में मैंने 157 में बेच दिया। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा हौसला मिलता गया, तो अच्छा लगा। मतलब जब आपके पास कोई भी काम करते हो, उसके रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएं, उसका मतलब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, तो आपका हौसला ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो आपका जो हौसले की उड़ान है, तो फिर वो मतलब खुल के मतलब आप खेलने का मन करता है। और ये
बहुत ज़रूरी है कि आप में पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, और पॉजिटिव एटीट्यूड के आने का कारण आपके लिए रिज़ल्ट है। जो रिज़ल्ट आपके लिए अच्छे आएंगे तो आप 100% मतलब आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर आप पीछे नहीं मुड़ के देखोगे। यदि आपके रिजल्ट थोड़े बहुत देर ख़राब भी आ जाते हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। या यदि मैं ये न्यू एंट्रेंट से लिए बोल रहा हूँ, जो नए आदमी इस में ज्वाइन कर रहे हैं, रियल स्टेट ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग देख के ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी किताबें देख के ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, यदि कुछ देर आपकी खराब भी चली जाए तो भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। मेरे को याद है हमारे पास एक चेला, मतलब छोटा, मेरे से उम्र में छोटा था, वो गुरुजी मानता था मेरे को, उस्ताद मानता था। चेला मैं इसलिए बोल दिया, चलो वैसे तो मैं किसी को चेला नहीं बोलता, चरणजीत सिंह आया था और उसने एक साल तक मेहनत करी, साल तक उसकी एक भी डील नहीं हुई, लेकिन जब साल के बाद उसकी डील हुई तो उसकी डील में से उसको इतना मज़ा आया, इतना पैसा आया कि उसके सारे जो एक साल तक लोगों के काम करते रहे उनसे ज़्यादा पैसे कमा गया। सो ये होता है, ये होना है, क्योंकि जब भी मैं बार बार कहता हूँ आपके पांव हरकत में रहें, आंखें खुली रहें, पांव चलते रहें, आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो तो आपने मंजिल पर पहुँच ही जाना है। चाहे आपको रास्ता थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो या रास्ते के बारे में जानकारी ना हो, रास्ते में जानकारी लेते जाओ, रास्ता टेढ़ा है, कोई ऊंच नीच है, उबड़ खबड़ रास्ते हैं, ये चलेगा, ये इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सो आपने बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आप चल पड़ो, जब आप चल पड़ोगे तो फिर आपको मंजिल मिलेगी। भटके हुए वो लोग नहीं हैं जो रास्ते पर चल रहे हैं, भटके हुए वो लोग हैं जो अपने घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकल गया वो तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। सो ये मेरा मैसेज है नए बंदों के साथ, नए जो ट्रेनिंग आ रहे हैं उनके साथ मेरा मैसेज है उनको, कि आप लगे रहो, और जब लगे रहोगे तो फिर कोई आपको मतलब हराने वाला है, कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। सर आज का जो आईटी युग है सर, इन्फॉर्मेशन बड़ा इजीली अवेलेबल है सर, और आप जैसे गुरुज हैं YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो हम काफ़ी भाग्यशाली हैं सर। आपके लिए कितना टफ था सर, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना बिना किसी गाइडेंस के? हाँ, हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज था, या था भी काम तो कोई ना कोई करना ही है। अब आपको लग रहा है कि मैं YouTube पे वीडियो डाल रहा हूँ, आप वहाँ से सीख रहे हो, ये यदि मैं ना हूँ तो काम तो जिसने करना है उसने कर ही लेना, जिसने करना है उसके लिए एक कारण और जिसने नहीं करना उसके लिए 100 बहाने, उसने तो बहाने मारने मारने कि ये मैं बहाना कर रहा हूँ जी, ये मेरे को हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे माँ बाप इस बात के लिए नहीं मान रहे, मेरे हालात मेरे ठीक नहीं है, या मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो मैं ये काम करूँगा, और ये पैसे का फार्मूला ये है। आप कहोगे कि पैसा, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, लेकिन पैसा ये कहता है जब आप बड़ा करके दिखाओगे तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। पैसे की ये थ्योरी है दोस्तों, आपको पहल आपको ही करनी पड़ेगी। पैसा एक गुरु की तरह है, जब आप पैसे की तरफ कदम बढ़ाते हो तो पैसा आपकी तरफ कदम बढ़ाता है। गुरु की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे तो गुरु हम एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरु 100 कदम बढ़ाते हैं। यही तरीका पैसे का है। यदि आप पैसे की तरफ चलना शुरू कर दोगे तो 100% पैसा आपकी तरफ भागना शुरू कर देगा। तो पैसे की कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये साथ साथ ये ध्यान रखना है आपने कि आपने कभी भी निराश नहीं होना। कोई आपकी डील नहीं होती, डील होके कैंसिल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। मेरे को याद है 96 में मेरी बेटी पैदा हुई थी 24 अप्रैल को, मेरा एक डील ख़राब हो गई थी, मैंने कनाडा में मतलब फ़ोन करके बंदे को डील की थी, और कोई वो जब मैच्योर होने का मौका आया तो किसी और को डील बेच गया, तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ। लेकिन उससे अगले दिन मैं किसी दोस्त के पास बैठा था और वहाँ से हमें एक डील मिली जिसमें मेरे को 24 अप्रैल 1996 को 70,000 रुपया बचा था एक डील में। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कुछ ना कुछ तो आपके लिए रखा है, बहुत कुछ पड़ा आपके लिए, सिर्फ आपको सर्च करने की ज़रूरत है। आपका जो निशाना है वो होना चाहिए, आपका जो निशाना है वो मतलब एक औंस गोल्ड यदि हमने मिट्टी में से निकालना हो, हम टनों के हिसाब से मिट्टी निकालते हैं, ये शिव खेड़ा की किताब में लिखा है यू कैन विन में। तो हमारा जो ध्यान है वो मिट्टी के ऊपर नहीं होता, हमारा जो ध्यान है वो
जो एक औंस गोल्ड होता है उसके ऊपर होता है। मतलब हमारा यदि हमारा कोई 10 रुपए का सिक्का गिर जाए, मिट्टी में गिर जाए, तो चाहे हमें 2 किलो मिट्टी आगे पीछे करनी पड़े, हम 10 रुपए का सिक्का ढूंढ के हटते हैं। सो ये आपने देखना है कि आप इसमें से क्या ढूंढ सकते हो। सो संजीव, अभी हम जहाँ पहुँचने थे वहाँ पहुँच गए हैं, तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके लिए ये आज गोल्ड नगेट्स राजवंत सर की तरफ से। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी ब्लॉग्स हम लेते आएंगे अगर आपको ये अच्छा लगा तो। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय।